अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद दुनिया भर में इस समय ट्रंप की चर्चा है। विशेषज्ञ लगातार ट्रंप के जीतने के अलग अलग कारण बता रहे हैं और उन्हीं में से एक कारण है अमेरिकी मुसलमान। माना जा रहा है कि ट्रंप की जीत में अमेरिकी मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ है। अमेरिका में मुसलमानों को डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थक माना जाता है और ट्रंप के आखिरी कार्यकाल को देखते हुए ये माना जा रहा था कि अमेरिका के मुसलमान डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार यानी कि कमला हैरिस को ही वोट देंगे, लेकिन आखिर में पूरा मोमेंट बदल गया और मुसलमानों का वोट ट्रंप के पाले में गया। 2024 के इस चुनाव में मुसलमानों ने ट्रंप को भर भर के वोट दिए, जिसकी वजह से ट्रंप ने कमला हैरिस को भारी मतों से मात दी। देखा जाए तो अमेरिका की अश्वेत आबादी ज़्यादातर डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करती रही है। डोनाल्ड ट्रंप की छवि भी अश्वेतों के विरोधी ही रही है। 2018 में राष्ट्रपति पद की पूर्व उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप को रेसिस्ट तक कह दिया था, लेकिन अब ये ट्रेंड बदल चुका है। ट्रंप को इस बार पॉपुलर वोट्स ज़्यादा मिले। 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तब उन्हें अश्वेतों के 8% वोट मिले थे। इस बार के एग्जिट पोल में ट्रंप को इनके 12% वोट मिले हैं। देखा जाए तो इस बार ट्रंप ने अपनी छवि के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप को जितने वोट अमेरिकन से मिले हैं उतने ही वोट मुसलमानों से भी मिले हैं। अमेरिका के मुसलमान पहले से बाइडेन की सरकार से परेशान थे क्योंकि इसराइल फिलिस्तीन युद्ध में इन्हें बाइडेन की भूमिका पसंद नहीं आई। अमेरिकी मुसलमानों का मानना था कि बाइडेन को इसराइल का समर्थन नहीं करना चाहिए था। वे इस बात से भी नाराज थे कि बाइडेन और हैरिस सिर्फ दिखावे के लिए इसराइल की आलोचना करते हैं लेकिन मौका मिलते ही उसकी मदद के लिए भी दम भरते हैं। वहीं ट्रंप शुरू से ही कहते आए हैं कि राष्ट्रपति बनते ही वो इस युद्ध को समाप्त कर देंगे। अमेरिकी मुसलमान वोटरों का कहना था कि उन्होंने पहले डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दिए लेकिन वे अब भरोसा खो चुके हैं। उन्होंने तर्क दिया कि डेमोक्रेट के पास मिडिल ईस्ट में शांति लाने की कोई योजना नहीं है और उन्हें ट्रंप पर भरोसा है कि वे इससे बेहतर करेंगे। पहले भी ऐसे संकेत मिले थे कि मुसलमानों के वोट ट्रंप को जा सकते हैं, हालांकि पिछले पैटर्न को देखते हुए किसी ने भी इस पर भरोसा नहीं किया था। मिशिगन के मुसलमान समुदाय तक ट्रंप की पहुंच ने हैम्पट्रैक और डियरबार्न हाइट्स के मुसलमान महापौरों से समर्थन प्राप्त किया, जबकि समुदाय के साथ उनके नए संबंध लेबनानी अमेरिकी दामाद माइकल बेलोस जो कि टिफनी ट्रंप के पति हैं उनके माध्यम से उन्हें और अधिक प्रिय बना दिया गया। इसके अलावा कमला हैरिस ने भी कुछ ऐसे काम किए जो मुसलमानों को पसंद नहीं आए और मुसलमानों ने हैरिस से दूरी बना ली। हैरिस का इराक युद्ध के कट्टर समर्थक पूर्व रिपब्लिकन सांसद लिज चेनी के साथ प्रचार करने का निर्णय मुसलमानों के बीच नकारात्मक प्रतिक्रिया का कारण बना। डियरबार्न हाइट्स के मेयर बिल बज इस कदम से खासे नाराज थे और उन्होंने मिशिगन में होने वाली रैली में ट्रंप का समर्थन करने का ऐलान किया। लेबनानी मूल के 29 वर्षीय शिक्षक चार्ल्स फवाज ने भी ट्रंप को वोट दिया। उनका कहना था कि जब ट्रंप हमारे राष्ट्रपति थे तब हमारी विदेशी नीति सही थी क्योंकि अन्य देशों के नेता हमारे देश का सम्मान करते थे। हालांकि उन्होंने माना कि ट्रंप मध्य पूर्वी शांति के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उनका मानना था कि रिपब्लिकन पार्टी अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से संभाल सकती है। अमेरिका में मुसलमानों की संख्या की बात करें तो यहाँ लगभग 25 लाख मुसलमान वोटर्स हैं जो स्विंग राज्यों जैसे एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवादा, उत्तरी कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में रहते हैं। इन राज्यों में मुस्लिम मतदाता चुनाव के परिणामों को निर्णायक रूप से प्रभावित करते हैं। मिशिगन, जहाँ अमेरिका की सबसे बड़ी मुसलमान आबादी में से एक है, विशेष रूप से उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्विंग स्टेट माना जाता है। यही कारण था कि ट्रंप और हैरिस ने मिशिगन में कड़ी मेहनत की थी, ये जानते हुए कि यहाँ मुस्लिम मतदाता चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो अमेरिका में इस मुस्लिम समुदाय के समीकरण पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।